पहली बार लाइफ में मैं रैप कर रही हूँ. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे रैप करने का मौका मिलेगा. बट नेवरदलेस इट वाज वेरी एक्साइटिंग. इट वाज यू नो, हम डेली सोप्स करते हैं, हम रूटीन शूटिंग करते हैं, तो इट्स वेरी बोरिंग. यू नो, समटाइम्स ऐसा लगता है कि रोज़ आप वही कर रहे हो, एंड देन फिर बीच में एक एक्साइटिंग ऐसी चीज़ आ जाती है. सो रैपिंग फॉर द टाइटल सॉन्ग ऑफ फुद्दू वॉज सुपर फन. बहुत मज़ा आया एंड बहुत डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम. लेकिन डेफिनेटली आई थिंक लाइफ में अगर आपको मौका मिले, आपको हर अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो यू नो वॉट यूर गुड एट. एंड अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया. सो डेफिनेटली इफ़ यू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, वन शुड टेक इट. एंड मैंने फुद्दू के लिए जो रैप किया, मुझे वो करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एक्चुअली अप्रोच किया गया तो मुझे लगा कि मेरा फेस है और कोई और रैप कर रहा है. तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, रैप कौन कर रहा है? तो दे लाइक कि नहीं आप रैप कर रहे हो सर, लेकिन मैंने पहले कभी किया नहीं है. सो इवन आई वाज रियली सरप्राइज्ड. लेकिन दे वर काइंड ऑफ श्योर कि यू नो उन्हें एक फेस चाहिए जो यू नो एटलीस्ट ट्राई करे. एंड दैट्स हाउ वी टुक इट फॉरवर्ड कि मैं पहले ट्राई करूँगी, लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड देन इवेंचुअली एवरीबडी लाइक्ड इट एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट क्योंकि इट वाज समथिंग डिफरेंट. बट व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दिस रोल, लाइक एग्जैक्टली क्या आपको लगा जैसे? बिकॉज आई समथिंग दैट आई हैव नेवर डन. आई मीन टेल मी वन थिंग, इन लाइफ आपको कहाँ ऐसी अलग अलग एक एक्टर के लिए रैपिंग की अपॉर्चुनिटी आना है? सो डिफिकल्ट एंड सो के यू नो इट्स नॉट ईजी. तो जैसे ही मुझे ये मौका मिला, आई वॉज लाइक ऑफ कोर्स आई विल डू इट. आई वुड वॉन्ट टू ट्राई न्यू थिंग्स. इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर एन एक्टर एंड दैट इज़ वॉट प्रॉम्प्टेड मी कि चैलेंजिंग है, करूँगी, एटलीस्ट ट्राई तो करूँगी. देन इफ आई गो रॉन्ग तो वील सी, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट ट्राई. आपके फेवरेट रैपर कौन है और किसको फॉलो करते हो? वेल, रफ्तार इज माई फेवरेट रैपर. आई थिंक ही इज़ वेरी कूल एंड ही इज अमेजिंग एंड आई वुड से रफ्तार वुड बी माई फेवरेट. ये था कि आपको डायलॉग डिलीवरी की तरह रैप करना है, उस इमोशन में रैप करना है. जैसा ही ये बोला कि यू नो एक्टिंग इज़ व्हाट यू हैव टू जेल विथ योर रैपिंग, तो थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आया क्योंकि एक्टिंग करना आसान है. लेकिन जितना इजी मैंने सोचा था रैपिंग करना, जितना आसान होगा उतना आसान था नहीं. इट वॉज़ क्वाइट टफ. आई वॉज़ हियर टिल 1 o'clock इन द नाइट, you know, working really hard on this, but it was fun. Who's your favorite female singer from the industry? Like singing mein aap gaane ka kitna singing sab bhag jayenge, never. Main ek bathroom singer tak nahi hu, to definitely singing is not an option at all. But jaisa ki maine kaha, ek daily soap actor ke liye aisi opportunities aana is very very exciting for an artist. So agar mujhe dobara mauka milega, I will definitely do it, and the second time I will do it obviously better and I'll be more confident at it. But definitely if things work out, ye hai mohabbate, would love to have them. As of now, ye hai mohabbate, as in Shagun is a part of Fuddu, which is releasing on 14th October. To agar aap sab Fuddu nahi banna chahte, to 14th October ko definitely Fuddu dekhiye. I'm sure it's going to be a super fun film, and yes, watch me rap. Okay, the last one. जिस तरह के विवाद अभी चल रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके, सबकी अपनी अपनी अलग राय है. सलमान का अपना एक नज़रिया है, ओमपुरी साहब का एक अलग नज़रिया है, इंडियन गवर्नमेंट्स का या ऑडियंस का या क्रिटिक का अपना अलग नज़रिया. नो कमेंट्स. हाउ डू यू सी दिस अनीता? नो कमेंट्स. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एंड गेट इनटू ट्रबल, सो नो कमेंट्स. ओके, थैंक यू. थैंक यू. हाँ, एक बार प्ले सॉन्ग साउंड के साथ, जस्ट होल्ड दिस ना.